डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एन वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस की एक्शन मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे अपन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बेलेनोग्लॉसस कौन से फाइलम का है। फाइलम तो इसका कोडेटा, लेकिन सब फाइलम कौन सा? हेमिकोडेटा। कोडेटा फाइलम के अंदर तीन सब फाइलम है, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा। ये जंतु बेलेनोग्लॉसस है वो हेमिकोडेटा का है। हेमिकोडेटा जंतु की एक विशेषता होती है कि जो हेमिकोडेटा फाइलम है वो एक्चुअल में कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच का फाइलम है, क्योंकि इसके अंदर नॉन कोडेट्स की कैरेक्टर भी मिलते हैं और कोडेट की कैरेक्टर भी मिलते हैं। अगर अपन इसमें कोडेट के कैरेक्टर देखें, जिसको पहले माना गया था कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसके आधे पोर्शन के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसीलिए इसको हेमिकोडेटा बोलते हैं। हेमी का मतलब हाफ, हाफ पोर्शन के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। लेकिन बाद में पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये एक अलग संरचना है जिसका नाम बक्कल डाइवर्टिकुलम दिया गया था। जो इसका बक्कल वाला पोर्शन होता है, जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, प्रोबोसिस वाला पोर्शन होता है, केवल उसी पोर्शन के अंदर उसकी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो उसका नाम बाद में कह दिया बक्कल डाइवर्टिकुलम, जबकि वो नोटोकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा इसमें नॉन कोडेट की तरफ अगर देखें तो इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, जबकि वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो कोडेटा में नहीं होकर के नॉन कोडेटा में होता है। इसलिए इस हेमी कोडेटा फाइलम को पहले कोडेटा में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको कोडेटा में नहीं रख करके इसको एक नॉन कोडेटा और कोडेटा के मध्य का एक फाइलम माना गया, जिसका बाद में फाइलम भी नहीं, इसका सब फाइलम कर दिया गया। तो ये इसका जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है वो है बेलेनोग्लॉसस। इसके अलावा सेकोग्लॉसस भी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल माना गया। तो इसका अपन आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए सिस्टमेटिक पोजीशन, ये कोडेटा फाइलम कोडेटा माना गया इसका, लेकिन सब फाइलम कौन सा है? इसको कोडेटा के अंदर ही एक अलग सब फाइलम बना दिया गया, जिसका नाम क्या है? हेमी कोडेटा, की इसके हाफ पोर्शन के अंदर है वो नोटोकॉर्ड पाई जाती है, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो बक्कल डाइवर्टिकुलम है, क्लास इसकी एंटेरोपनिस्ट है और जीनस बेलेनोग्लॉसस है। डेरिवेशन ऑफ नेम, इसके नाम का अपन अगर डेरिवेशन देखें कि ये बेलेनोग्लॉसस नाम कैसे रखा गया, तो आप देखिए बेलेनो, ये दो नाम है, बेलेनोग्लॉसस, बेलेनो, बेलेनो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड जो है वो एकोर्न है, एकोर्न, ठीक है। एकोर्न क्या होता है? जो आग का जो फ्रूट होता है उसी का नाम क्या होता है? ये एकोर्न बोलते हैं उसको, फ्रूट ऑफ ओक, जो ओक का फ्रूट है उसी को क्या बोलते हैं? एकोर्न। तो ये एक्चुअल में इसको अगर ऊपर से अगर देखे, इसका जो प्रोबोसिस वाला पार्ट है, तो जैसे ओक के अंदर, ओक का जो ट्री होता है उसके अंदर जो फ्लावर निकलता है बाहर की तरफ से, जो फ्रूट निकलता है, नट निकलता है, वो उसी की इसकी शेप होती है, तो इसको अकोर्न वर्म भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम है ग्लोसा, ग्लोसा, ग्लोसा का मतलब है टंग, ग्लोसा का मतलब है टंग, तो इसको टंग वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अगर पूरी की पूरी अगर अपन शेप देखें उसकी, बेलेनोग्लॉसस की, तो ऑक्स जो है, ऑक्स जंतु, ऑक्स जो है ऑक्स की जीभ के समान होता है इसकी शेप, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? टंग। तो ये इन दो से इसका नाम बना, तो इसीलिए इसको अकॉर्न वर्म भी बोलते हैं, अकॉर्न वर्म, और टंग वर्म भी बोलते हैं। और फिशरमैन है जो मछलियां पकड़ते हैं समुद्रों के अंदर, वो इसको ज्यादातर क्या बोलते हैं? ऑक्स टंग, ऑक्स टंग। तो ये इसका जो नाम का डेरिवेशन क्या दिया गया है, जो उसका बेलेनोग्लॉसस, यानी बेलेनो का मतलब अकोर्न, जो ओक का फ्रूट होता है उसी का नाम ग्रीक में क्या दिया, उसका नाम होता है, ग्रीक वर्ड में नाम होता है उसका अकोर्न, इसीलिए इसका नाम क्या दिया? अकोर्न वर्म, क्योंकि इसका जो प्रोबोसिस वाला पार्ट है वो किसके जैसा होता है? ओक के फ्रूट के जैसा होता है। और इसी तरीके से ग्लोसा, ग्लोसा का मतलब होता है टंग, और टंक है इसकी अगर पूरी की पूरी अगर शेप को अपन देखें, प्रोबोसिस, कॉलर और जो ट्रंक है वो ऑक्स की टंग के समान होता है, ऑक्स की जीभ के समान होता है, तो इसलिए इसको
टंग वर्म भी बोलते हैं, और फिशरमैन्स जो है इसको ज्यादातर ऑक्सिड टंग बोलते हैं। तो ये इसके नाम का डेरिवेशन है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये बेलेनो शब्द है वो अकोन से नहीं आकर के, ये बेलेनो जो शब्द है जो ग्रीक वर्ड है जो अकोन से नहीं आकर के एक बार्निकल होता है, बार्निकल जीनस से अगर उसके अपन देखें तो बेलेनस आर्थ्रोपोडा का ये एक एनिमल है बेलेनस। उसके जो करैक्टर है वो करैक्टर इस बेलेनोग्लोसो से मिलते जुलते होते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ये जो बेलेनो शब्द है वो इस बेलेनस एनिमल से समानता के कारण लिया गया, तो इस प्रकार से इसका ये नामकरण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेलेनोग्लोसस है वो संसार के सभी समुद्र जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आते हैं उन सभी सभी समुद्रों के अंदर ये पाया जाता है, यानी संसार के सभी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो सीज है समुद्र है उन सभी के अंदर ये पाया जाता है। अगर विश्व में अपन देखें तो इसकी लगभग 20 जातियां पाई जाती है, और अपन जो यहाँ पर ज्यादातर वर्णन अगर अपन करेंगे जो बेलेनोग्लोसस के ऊपर जितने भी अपन वीडियो बनाएंगे उनमें अधिकांश जो अपन डिस्क्रिप्शन करेंगे वो है बेलेनोग्लोसस क्लेविसेप्स कलेजी बेलेनोग्लोसस क्लेजिरस। इसके अलावा ये हैबिट एंड हैबिटाट बेलेनोग्लोसस की अपन हैबिट और हैबिटाट देखें तो ये ट्यूबिकुलस एनिमल है, बिल बना करके रहने वाला एनिमल होता है, साइलेंट्रिकल है, बायलेट्रिकल सिमेट्री होती है इसके अंदर और साइलेंट्रिकल होता है ये और बिल बना करके रहता है, ट्यूबिकुलस एनिमल है ये। और ये मोस्टली जो अपना बिल बना करके रहता है वो कहाँ पर रहता है, जो समुद्र का किनारा होता है, जैसे समुद्र के किनारे के ऊपर जो पत्थर पड़े रहते हैं उन पत्थरों के नीचे, या जो सी वीड से समुद्र की जो खरपतवार है उस खरपतवार के अंदर अपना एक यू शेप का बिल बना करके उसके अंदर रहता है, तो ये बिल के अंदर रहता है। अब अगर उसका अपना बिल देखें तो अपन ने यहाँ पर इसका बिल बना रखा है और इस बिल के अंदर दो आर्म है, एक नीचे की तरफ ये दो नीचे की तरफ जा रही है, तो ये इसकी एंटीरियर आर्म है और ये इसकी पोस्टीरियर आर्म है। तो ये लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर गहरी होती है ये जो इसकी आर्म है बिल की दोनों, कितनी 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक की। और इन दोनों आर्म को जोड़ने वाली एक हॉरिजॉन्टल आर्म और दिखा रखी है अपन ने, ये 10 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के लगभग ये होती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से इसका एक बिल होता है। इस बिल के अंदर दो छिद्र होते हैं, ये एक पोस्टीरियर आर्म का है और ये एक एंटीरियर आर्म का है। जिस आर्म में छिद्र के द्वारा ये अंदर प्रवेश करता है वो एंटीरियर वाला है। और उसकी पहचान क्या होती है कि उसके जो बिल है उसके जो एंटीरियर आर्म है वो कीप नुमा होता है, ये यहाँ पे कीप नुमा पर ने इसका छिद्र दिखा रखा है, और ये वाला है वो एक साइलेंटिकल एक वर्ताकार छिद्र होता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रवेश करने के लिए कई बार इसमें साइड ब्रांच भी होती है बिल के अंदर, ये साइड ब्रांच दिखा रखी है अपन ने, इस तरीके से एक भी हो सकती है और दो या तीन भी इस प्रकार से साइड ब्रांच हो सकती है, और इसके अंदर वो प्रवेश करता है बिल के अंदर और इस तरीके से वो बिल के अंदर रहता है। जो पोस्टीरियर आर्म है उसके ऊपर अपन ने यहाँ पर इसका फीकल मैटर दिखा रखा है, जब इसको फीकल मैटर त्यागना होता है तब ये पीछे से मुड़ करके यहाँ पर अपना फीकल मैटर त्यागता है और वो बाहर निकलता है, तो ये कोयल के रूप में यहाँ पर इसका फिकल मैटर मल पदार्थ है वो बाहर दिखाई दिया है। तो इस प्रकार से ये बिल के अंदर रहता है और मोस्टली बिल के अंदर ये रहता है। और जब जवार भाटा उतरता है, जवार जब उतरता है समुद्र के अंदर, जवार भाटा जब खत्म होता है उस समय ये बाहर आकर के ये मूवमेंट करता है। इसके अलावा इसमें प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का मतलब अपने आप को बचाने के लिए इसके अंदर क्या क्या युक्तियां होती है, क्या क्या माध्यम होता है। देखिए एक तो ये जो एनिमल है इसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, और इसकी बॉडी है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो म्यूकस क्या करता है कि जो ये इसकी टनल है, जो बिल की ये टनल्स तो बना रखी है अपन ने, इस टनल के अंदर वो जो म्यूकस है वो म्यूकस से यहाँ पर वो लेयर लगा देते हैं बिल के अंदर, ताकि बिल की जो
मिट्टी है वो वहां धंसने ना पाए, इसलिए इसको चिकना बना देते हैं ताकि वो मिट्टी गीली होकर के है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, तो ये म्यूकस स्रावित करता है। तो ये एक इसके अंदर प्रोटेक्टिव डिवाइस पाया जाता है अपने आप को सुरक्षा करने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर ये एक स्मेल स्रावित करता है, इसमें जो एक सीक्रिशन स्रावित करता है जिसमें स्मेल आती है आइडोफोरम की जैसी। तो जहां पर ये बेलेनोग्लोसस का बिल होता है या वो जहां निवास करता है, तो व्यक्ति या कोई भी एनिमल वहां से जब गुजरता है तो उसको आइडोफोरम की स्मेल आती है। तो उस आइडोफोरम की स्मेल की वजह से ये अपने अपने को पता चल जाता है कि यहां पर ये बेलेनोग्लोसस रहता है, या यूं कह सकते हैं एनिमल बिहेवियर की दृष्टि से कि ये अपनी एक टेरिटरी बनाता है, अपना एक निश्चित क्षेत्र बनाता है जिसमें ये अपनी एक स्मेल छोड़ता है, और वो स्मेल जैसे आइडोफोरम केमिकल में आती है उस प्रकार की इसके अंदर स्मेल आती है। इसके अलावा बेलेनोग्लोसस की कुछ जातियां ऐसी भी है जो फोटो रिसेप्शन से, यानी जो फोटो रिसेप्शन ये प्रकाश का एलिमिनेशन एमिशन करती है, मतलब उनके शरीर से है वो प्रकाश है वो बाहर निकलता रहता है। तो इस प्रकार के से इसमें फोटो रिसेप्शन पाई जाती है। तो ये इसमें एक तरीके से प्रोटेक्टिव डिवाइस है। अब ये मूवमेंट कैसे करता है? पहली बात तो ये बिल के अंदर रहता है, ठीक है, ये एक बहुत ही स्लगिश एनिमल है, और स्लगिश के साथ साथ में बाह्य कोई भी स्टिमुलस अगर इसको दिया जाता है तो इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है, और ना ही इसकी बॉडी के अंदर कोई अपेंडेजेज होते हैं, ना इसका कोई एक्सोस्केलेटन है बॉडी के ऊपर, ना इसके कोई एक्सोस्केलेटन है ना ही कोई अपेंडेजेज है। और ये बहुत स्लगिश है, एकदम सुस्त पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही जवार भाटा उतरता है ये अपने बिल से बाहर आकर के और पानी में थोड़ी बहुत आराम से आपस पानी में थोड़ी सी दूरी तक है वो अपना तैर करके और वापस है वो बिल के अंदर प्रवेश कर जाता है। मूवमेंट के लिए इसमें कोई भी, मैंने बताया कि इसके अंदर कोई भी अपेंडिजेज नहीं पाया जाता है, कोई भी उपांग नहीं पाया जाता है, केवल इसकी जो पेशियां हैं जो सर्कुलर पेशी है इसके चारों तरफ उनको ये कंस्ट्रिक्शन करता है, संकीर्ण करता है, तो इसका शरीर है वो व्यास है वो कम हो जाता है, और जो इसकी बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो इसकी बॉडी लंबी और छोटी होती जाती है। तो इस प्रकार से इसमें एंडुलेटिंग प्रकार का एक तरीके से मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपेंडिजेस नहीं पाया जाता है, और मोस्टली ये क्या है अपन ने पहले ही बताया कि ये क्या है स्लगी से एनिमल है, बड़ा ही सुस्त लेजी एनिमल है। इसकी ब्रीडिंग और फीडिंग की अगर अपन बात करें तो ये फीडिंग में स्लगी से वहां मिट्टी के अंदर रहता है, ये बिल के अंदर रहता है, तो ये खाता क्या है? सेंड मड, मिट्टी को खाता है ये। जैसे अर्थवर्म है वैसे ये भी स्लगिश है, दोनों में ये समानता है, अर्थवर्म भी सब मिट्टी खाता है तो ये भी क्या है मिट्टी ही खाता है, मड खाता है, और उस मड के अंदर कोई प्रोटोजोन्स डायटम्स या माइक्रोब्स होते हैं वही इसका भोजन होते हैं। तो इसका भोजन क्या हो गया? प्रोटोजोन्स है, डायटम्स है, और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स है जो उस मिट्टी में पाए जाते हैं वही इसका भोजन होते हैं। और ये जो बिल है इस बिल के अंदर मेल और फीमेल अलग अलग रहते हैं, मेल का बिल आपको अलग मिलेगा और फीमेल का बिल है वो अलग रहेगा, अलग मिलेगा, क्योंकि दोनों में मेल और फीमेल है इनमें अलग अलग होते हैं, और ये वहां से निकल करके और अपने अंडे जो है वो पानी के अंदर त्याग देते हैं, और उन्हीं अंडों से बाद में डेवलपमेंट होकर के नया बेलनोग्लोसस बनता है, और उससे पहले जो एक इसमें लार्वा बनता है जिसका नाम होता है टोरनेरिया लार्वा, तो इसके अंदर टोरनेरिया लार्वा पाया जाता है। तो ये अपन ने हैबिट और हैबिटाट पढ़ा है। मैं एक चीज और बता देता हूं यहां पे आपको कि हैबिट और हैबिटाट में किसी भी एनिमल की जब अपन हैबिट और हैबिटाट पढ़ते हैं उसमें उन सारी चीजों का वर्णन करते हैं जिससे अपने उस अपने को उस एनिमल का एक आइडिया लग जाता है, अपने को एक कि ये एनिमल किस प्रकार का होता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे ब्रीडिंग करता है, किस जगह पे रहता है, तो वो उन सारी चीजों का जिक्र है वो अपन हैबिट और हैबिटाट में करते हैं। जैसे अपन ने क्या बताया यहाँ पे, ये बर्रो में रहता है, बिल में रहता है, बिल कैसा होता है, किस प्रकार से उसमें रहता है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस क्या है इसके अंदर, सुरक्षा के लिए इसके अंदर क्या है जैसे म्यूकस है, ठीक है, इसी तरीके से ये आइडोफोर्म स्रावित करता है, मूवमेंट ये कैसे करता है, ठीक है,
तो वो इसमें पेशियों के द्वारा होता है, क्या क्या खाता है, ब्रीडिंग कैसे करता है, तो इन सारी चीजों का अपन जिक्र करते हैं किसमें, हैबिट और हैबिटेट से, जिससे अपने को एक ये आइडिया लगता है कि वो एनिमल किस प्रकार का है, कैसे रहता है। तो ये अपन ने एक जनरल जाना है किसके बारे में, बेलेनोग्रोसस के बारे में। अब अपन इसका एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी जो बाह्य संरचना है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए शेप, साइज एंड कलर, उसके बाद में इसकी बॉडी के डिवीजन कौन कौन से, तीन भागों में डिवाइड किया है और उनको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए शेप क्या है। शेप मैंने बताया ना कि ये सुस्त एनिमल है, तो ये एक बाइलेटरल एनिमल है। इसके अंदर द्वि पार्श्व सममिति पाई जाती है, अगर शरीर के बीचों बीच अगर काटा जाए तो दो बराबर भाग बनते हैं, तो इसमें बाइलेटरल सममिति पाई जाती है। इसके अलावा ये साइलेंड्रिकल है, देखने में ये क्या लगता है, साइलेंड्रिकल जंतु है। और इसके अलावा इसकी साइज को अपन देखें तो ये 3 सेंटीमीटर से लेकर के और 2 मीटर तक लंबा हो सकता है, और ये साइज है वो अलग अलग स्पीशीज के ऊपर है वो वेरी करती है। कलर अपन अपन देखें इसका, तो कलर बिल्कुल ब्राइट होता है और हल्का भूरा होता है, लाइट ब्राउन होता है और ब्राइट कलर का होता है वो, और इसके ऊपर नारंगी रंग की ऑरेंज कलर के टिंट जो है वो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑरेंज कलर के इसके ऊपर थोड़े डॉट्स है वो पाए जाते हैं। तो ये इसके साइज शेप और कलर है। बॉडी डिवीजन, इसके शरीर को देखें जिसमें तीन भाग है, देखिए ऊपर का वाला है प्रोबोसिस और उसके बाद में बीच वाला है कॉलर और उसके बाद में ये जितना भी पोर्शन दिखा है ये क्या है, ट्रंक। तो बॉडी के तीन भाग है, जैसे अपन हेड थोरिक्स एब्डोमन डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर तीन भाग है। ऊपर वाला सबसे आगे वाला एंटीरियर जो पोर्शन है वो है प्रोबोसिस, उसके बाद में है कॉलर और उसके बाद में यहां से लेकर के ये इसका है वो ट्रंक, तीन भाग है इसके अंदर, एक एक को लेते हैं अपन। और यही इसकी संरचना का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले देखिए ये प्रोबोसिस है। अब ये प्रोबोसिस कौन शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, और हाईली मस्कुलर होता है। अब ये जो जैसे ओक का ट्री होता है, ओक के ट्री के अंदर जैसे फ्लावर निकलता है, फ्लावर के बाद में जो जो जिस प्रकार से अगर आपने देखा हो तो जिस प्रकार से वो निकला हुआ होता है उसी प्रकार से ये निकला हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अकॉर्नवर्म। तो ये प्रोबोसिस की शेप है वो ओक के जो नट्स है उसके प्रकार से इसकी शेप होती है, और ये हाईली मस्कुलर पार्ट होता है इसका प्रोबोसिस। इस प्रोबोसिस के अंदर अब देखिए ये सिलोमेट एनिमल है, सिलोम पाई जाती है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर वैसे अपन सिलोम के बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सिलोम होती है वो देखिए पार्ट्स में है। यहाँ इस प्रोबोसिस की सिलोम अलग है जिसको प्रोबोसिस सिलोम बोलते हैं, कॉलर की सिलोम अलग है जिसको कॉलर सिलोम बोलते हैं, और ये ट्रंक की सिलोम है वो अलग होती है तीनों की, और उनके बारे में अपन अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो ये प्रोबोसिस वाला पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर जो गुहा होती है वो उसको अपन कहते हैं प्रोबोसिस सिलोम, और वो प्रोबोसिस सिलोम एक छिद्र के द्वारा, एक अपर्चर के द्वारा, प्रोबोसिस अपर्चर के द्वारा इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है मिड डोर्सल पार्ट है, यहां से एक छिद्र होता है उसके द्वारा वो सिलोम है वो बाहर खुलती है, किसकी, केवल इतने से पार्ट की। तो ये प्रोबोसिस है, मतलब इसके अंदर जो गुहा है, इसके अंदर जो कैविटी है उसी का नाम क्या है, प्रोबोसिस सिलोम, और वो एक अपर्चर छिद्र के द्वारा इस प्रोबोसिस का जो ये बेस है, यहां पे मिड डोर्सल बेस है, यहां पर एक छिद्र के द्वारा वो बाहर खुलती है। अब देखिए यहां पर आपको देखने से ऐसे लगता है कि इसकी टोटल शेप ऐसी है, जबकि इसकी शेप ऐसे नहीं है। ये प्रोबोसिस दिखा रखा है अपन ने, लेकिन इस प्रोबोसिस के नीचे एक स्टाक होता है। यहां मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये अपन ने इसका प्रोबोसिस दिखाया और इस प्रोबोसिस के नीचे इस प्रकार से एक ये स्टाक होता है जिसका नाम होता है प्रोबोसिस स्टाक, प्रोबोसिस स्टाक होता है, और वो स्टाक है वो नीचे तक गया होता है, और इस पोर्शन के ऊपर, इस प्रोबोसिस स्टाक के ऊपर एक एक जो एपिडर्मिस होती है उसमें एक गड्ढा होता है, एक अवनमन होता है, एक गड्ढा होता है जिसको सीलियरी ऑर्गन बोलते हैं, जिसको बक्कल सीलियरी ऑर्गन बोलते हैं, और वो ऑर्गन क्या करता है, अंदर प्रवेश करने वाले भोजन और पानी की रासायनिक जांच करता है। यहां पर इसके ऊपर क्या पाया जाता है,
सीलिरी ऑर्गन होता है, और वो सीलिरी ऑर्गन अंदर प्रवेश करने वाले फूड और जो वाटर होता है उसकी टेस्टिंग का काम करता है। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या पाया जाता है, नीचे की तरफ प्रोबोसिस स्टाक व्रंथ पाया जाता है, कि प्रोबोसिस स्टाक है ये, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं अपन इसका, कोलर। तो ये बीच में अपन ने दिखा रखा है, ये क्या है, कोलर पार्ट है इसका। और ये कोलर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोलर पार्ट जो प्रोबोसिस का पार्ट है उसके ऊपर, ये जैसे प्रोबोसिस है इतना पार्ट प्रोबोसिस है, और ये वाला भाग कोलर है। तो ये कोलर यहां से स्टार्ट नहीं होता है, ये कोलर यहां से स्टार्ट होता है इस प्रकार से। तो जो पार्ट पोर्शन प्रोबोसिस कोलर का इसने दबा लिया और जो पार्ट कोलर का यहां तक आ गया वो क्या कहलाता है, कोलरेटी। ये पोर्शन इस प्रकार से, ये यहां पे ये कोलर है, मतलब कोलर वाला भाग है वो, कोलर वाला जो भाग है वो इस प्रकार से ऊपर चढ़ा हुआ होता है, किसके, प्रोबोसिस के। तो इसके मतलब नीचे पोर्शन कौन सा आ गया, प्रोबोसिस कोलर का पार्ट है वो इसके नीचे आ गया, और ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है इस प्रकार से। इसके अंदर है वो कोलर वाला पार्ट पाया जाता है, और ये कोलर वाला पार्ट है वो भी काफी पेशी होता है, हाईली मस्कुलर होता है ये। और इसके नीचे इसमें भी क्या है, जैसे यहां पर प्रोबोसिस सिलोम पाई जाती है, वैसे जो ये कॉलर वाला पार्ट है, इस कॉलर वाले पार्ट के अंदर भी एक गुहा पाई जाती है, सिलोम पाई जाती है, उसका नाम क्या है, कॉलर सिलोम, कॉलर सिलोम। और वो कॉलर सिलोम एक अपर्चर के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा, जो पहला गिल पोर होता है, जो पहला गिल पोर होता है उसके पास में आकर के वो खुलता है। किसका पोर्शन, किसका पार्ट, ये जो कोलर वाला पार्ट है इसके अंदर जो गुहा है जिसका नाम अपन ने क्या दिया है, कोलर सिलोम। और वो कोलर, जैसे यहां पर प्रोबोसिस सिलोम दिया था, यहां पर इसके अंदर गुहा उसका नाम क्या दिया है, कोलर सिलोम। और वो कोलर सिलोम है वो फर्स्ट गिल पोर के पास में आकर के खुलता है। तो इस प्रकार से ये कोलर पाई जाती है, और इसी के पीछे, इस कोलर वाले भाग के पीछे जो कोलरेटा है, ये जो अपन ने कोलरेटा दिखा रखा है वो ये पोर्शन है, जो इसका कोलर का वो पोर्शन है जो प्रोबोसिस को ढके रखता है, उसको अपन बोलते हैं कोलरेटी। और बाकी पोर्शन इसका पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कोलर। और इस कोलर भाग के पीछे जहां कोलरेटी होती है वहां पर इसका माउथ है पाया जाता है। तो कोलर वाले भाग के पीछे है वो, इसमें एक छिद्र पाया जाता है जो इसका माउथ होता है। इसके बाद में इसका तीसरा पार्ट आता है ट्रंक। ये यहां से लेकर के ये टोटल का टोटल पार्ट अपन ने क्या दिखाया है, ट्रंक रीजन दिखाया है। इसे ट्रंक रीजन के अंदर तीन पार्ट होते हैं। देखिए ये यहां से लेकर के और ये यहां तक का जो अपन ने दिखा रखा है लगभग, ये कराता है ब्रेंकियल, ब्रेंकियल रीजन, ब्रेंकियल रीजन, या ब्रेंकियो जिनाइटल रीजन भी बोलते हैं इसको, ब्रेंकियो, ब्रेंकियो, ब्रेंकियो जिनाइटल रीजन, या ब्रेंकियल रीजन भी बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन तो कहलाता है ब्रेंकियल रीजन, और ये वाला पोर्शन कहलाता है हिपेटिक रीजन, ये वाला हिपेटिक रीजन है। और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट हिपेटिक रीजन। यानी अपन ने इसकी ट्रंक जो है उसके तीन पार्ट कर दिए, ब्रेंकियो जिनाइटल रीजन एक, दूसरा हिपेटिक रीजन दो, और थर्ड है वो पोस्ट हिपेटिक रीजन, तीन, तीन भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया अपन। इसमें है क्या, देखिए आप सबसे पहले लेते हैं अपन ब्रेंकियो जिनाइटल रीजन। इस ब्रेंकियो जिनाइटल रीजन के अंदर ये अपन ने अंदर का पोर्शन, अब अपन वैसे तो पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, लेकिन यहां का पार्ट जो है इतना पार्ट है अपन ने खोल करके दिखा रखा है इसका, मतलब जंतु का इतना पार्ट अपन ने ओपन करके दिखा रखा है। और उस ओपन वाले रीजन में क्या दिखा रखा है, ब्रेंकियो जिनाइटल रीजन है, उसके अंदर यहां पे एक बीचों बीच इसमें एक रिज पाई जाती है, ये मिड डोर्सल रिज है इस प्रकार से। एक इसके अंदर ये बीचों बीच इसके अंदर एक क्या पाई जाती है, मिड डोर्सल रिज पाई जाती है। इस मिड डोर्सल रिज के दोनों तरफ गिल पोर पाए जाते हैं, ये यहां पर इसका गिल पोर दिखा रखी है अपन ने, ठीक है। अब ये जो गिल पोर है वो एक जोड़ी है, वन पेयर है,
स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, वन पेयर गिल पोर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है इन गिल पोर्स की संख्या वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर ज्यादा गिल पोर्स दिखा रखे हैं। दूसरा देखिए, ये जो संरचना है जो फैली हुई है, इसको इसका नाम दे रखा है अपन ने डोर्सली कर्व्ड जिनाइटल विंग। ये दो अपन ने विंग दिखा रखे हैं यहां पे, ये विंग ठीक है, उड़ने वाले विंग नहीं है, ये थोड़ा फ्लैट रीजन होता है इसलिए इसका नाम अपन ने विंग दे दिया। अब यहां पर भी क्या पाया जाता है, प्रत्येक और इनकी जो मिड, ये मिड डोर्सल रिज जो होती है उसके दोनों तरफ क्या पाया जाता है, एक जोड़ी इनके जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे ये पूरा पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, जेनाइटल विंग्स कहलाता है। और ये जो जेनाइटल ऑर्गन है ये भी आकर के यहाँ पर इसमें बीच में लगभग आकर के खुलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या, इसके जेनाइटल विंग्स होते हैं। जो बीच वाला पोर्शन अपन दिखा रखा है हिपेटिक रीजन, तो ये यहां से लेकर के ये अपन ने क्या दिखा रखा है, हिपेटिक रीजन। और ये थोड़ा सा इसके ऊपर उभार पाए जाते हैं, और वो उभार किसके होते हैं, जो इसकी हिपेटिक शिका होती है उसके इसके ऊपर उभार होते हैं। तो ये अपने यहाँ पर ये हिपेटिक शिका दिखा रखी है। और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है हिपेटिक रीजन, तो ये इसका हिपेटिक रीजन है। इस प्रकार से ये बेलानोग्रास्टस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन अगर आगे देखें तो ये जो जो पीछे वाला जो पोस्ट हिपेटिक रीजन है वो समान व्यास का होता है एकदम से, और एक एनस के द्वारा वो बाहर खुलता है। तो ये बेलानोग्रास्टस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको वापस रिपीट करना चाहूंगा, हेविकोडेटा सब फाइलम का ये जंतु है जिसके अंदर वेंट्रल नर्वो कॉर्ड पाई जाती है और इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है जिसको अपन बक्कल डाइवर्टिक वोलम बोलते हैं, जो कि रियल में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन दे रखा है। नाम का डेरिवेटिव अपन देखें तो बेलेनो ग्लोसस दो नाम दिए हुए। बेलेनो का मतलब होता है अकोन, अकोन का मतलब होता है जो आक, ओक जो होता है, ओक का जो फ्रूट होता है उसकी जैसी इसकी शेप होती है, और ग्लोसा का मतलब होता है टंग, जो ऑक्स है, ऑक्स की जो टंग होती है उसकी जैसी इसकी शेप होती है, तो टंग वोरम भी बोलते हैं इसको। तो इसका कॉमन नाम क्या हो गया, अकोर्न वोरम या टंग वोरम। और ये बेलेनो ग्रीक वर्ड लिया गया, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये बेलेनो का मतलब ये नहीं है, बेलेनो का मतलब ये एक बार्निकल है, एक जंतु, बेलेनस एक जंतु होता है, उस बेलेनस जंतु की कैरेक्टर और इससे बेलेनोग्रासस के कैरेक्टर आपस में मिलते हैं, उसी से इसका नाम लिया गया बेलेनो। हैबिट और हैबिटाट में अगर अपन देखें तो अपन ने बताया कि ये साइलेंड्रिकल भी है, बायलेटरल सिमेट्री है इसके अंदर, बिल में रहता है ये, और इस प्रकार से ये स्लगिश एनिमल है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है ये, एकदम से बिल के अंदर पड़ा रहता है। और इसका जो भोजन होता है वो मिट्टी होता है जिसके अंदर है वो प्रोटोजोन डायटम्स और माइक्रोब्स होते हैं, और मूवमेंट ये अपनी मसल्स के द्वारा करता है क्योंकि इसके अंदर एक्सोस्केलेटन भी नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई वो बाह्य उपांग भी नहीं पाया जाता है। तो ये इसकी हैबिटाट है। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस अपन ने बताया इसमें कि इसकी सुरक्षा के लिए ये म्यूकस स्रावित करता है, ताकि इसे टनल को आपस में आस्थित करता है म्यूकस के द्वारा, ताकि वो मिट्टी है वो जमी रहती है इसके ऊपर नहीं गिरती है। आइडोफोरम केमिकल स्रावित करता है ये, जिससे उसकी स्मेल से वो अन्य एनिमल्स इनके पास में नहीं आते हैं, शिकारी इनके पास में नहीं आते हैं। और इसकी शेप साइज और कलर के बाद में अपनी बॉडी है, और बॉडी के अपन ने इसके तीन पार्ट कर रखे हैं, सबसे ऊपर वाला प्रोबोसिस, उसके बाद में कॉलर, और नीचे वाला ट्रंक रीजन। जो प्रत्येक के अंदर, इसके अंदर जो कैविटी है वो प्रोबोसिस सिलोम है, इसके अंदर जो कैविटी है उसका नाम कॉलर सिलोम है, और ये ट्रंक सिलोम इसके अंदर जो पाई जाती है वो ट्रंक सिलोम है। और प्रत्येक प्रोबोसिस की जो सिलोम है वो एक छिद्र के द्वारा खुलती है, कॉलर की सिलोम है वो भी फर्स्ट गिल पेयर के पास में आकर के खुलती है, और इसी प्रकार से इसकी सिलोम भी, इसका छिद्र भी आकर के बाहर खुलता है। और जो ट्रंक होता है उसके तीन रीजन बताया अपन ने, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है, हिपेटिक रीजन है, और पोस्ट हिपेटिक रीजन है। इस प्रकार से ये इसकी बाह्य संरचना होती है बेलानोग्रासस की। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।